नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाई डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक्स है, साथ ही साथ जो ग्रोथ देने वाले हैं, जिसमें काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले समय में, उन स्टॉक्स को आप कैसे ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ जो पिछले 4-5 सालों में भी ग्रो किया है, रेवेन्यू वाइज, अर्निंग पर शेयर वाइज, मतलब प्रॉफिट वाइज, तो इस वीडियो में हम इन सारे स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं टिकर टैप से। और इस वीडियो में हम जानेंगे द टिकर टैप काफ़ी बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। देखिए, टिकर टैप पर जब आप आते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप प्रो वर्सन लेते हैं तो यहां से लॉगिन कर लेना है, नहीं तो जो हम स्कैनर का यूज करेंगे हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स को ढूंढने में, वो यहां पर आपको कॉर्नर में टिकर टैप पर क्लिक करना है। यहां पर स्कैनर पे आना है, स्क्रीनर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप देखिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप वाले स्टॉक्स है वो सबसे ऊपर दिखा रहा है। दूसरे नंबर पे जो है TCS वो दिखा रहा है, सबसे पहले रिलायंस था, तीसरे पर HDFC बैंक है, ये रिलायंस का ही दो शेयर है पार्शली पेड और फुल्ली पेड। फिर यहाँ पर इन्फोसिस, HUL, तो इस तरह से आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा डिविडेंड वाले स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए, साथ साथ ग्रोथ जिसमें है वो भी फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है एड फिल्टर पे। जैसे एड फिल्टर पे आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ पे क्लिक करना है। चलिए ग्रोथ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ भी चाहिए हमको डिविडेंड के साथ साथ, तो 5 ईयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ ले लेते हैं, फिर 5 ईयर्स का हिस्टोरिक अर्निंग पर शेयर ग्रोथ ले लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर हमको चाहिए डिविडेंड वाले स्टॉक्स, तो डिविडेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आ गया हमारे यहाँ पर डिविडेंड वाले स्टॉक्स। अब इसमें लगा दीजिए कौन सा डिविडेंड वाले स्टॉक आपको चाहिए। तो यहाँ पर डिविडेंड पर यील्ड पर क्लिक कीजिए, तो जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं वो आपको आ जाएंगे। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में कितना परसेंट चाहिए, चलिए देखिए हम 5% डिविडेंड वाले स्टॉक्स को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमने डिविडेंड यील्ड डाल दिया जिसका मिनिमम 5% डिविडेंड यील्ड हो। फिर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की बात करते हैं, तो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ कम से कम 1% का हुआ हो, तो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ कम से कम 1% का हो, तो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ कम से कम 1% का रहा हो। बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ का, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी कम से कम 1% का रहा हो। तो देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ भी 1% कम से कम हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी 1% हो, और डिविडेंड जो है कम से कम 5% हो। तो इस तरह के स्टॉक्स हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने सारे पैरामीटर्स लगा दिए। जब आप इसको राइट साइड कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड यील्ड जो है कम से कम 5% होना चाहिए, 5 ईयर्स का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो 1% कम से कम हम लगाए, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ आपको दिख जाएगा कितना है, हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ दिख जाएगा, फिर यहाँ पर स्टॉक का पी दिख जाएगा, फिर यहाँ पर प्राइस कितना है अभी स्टॉक का, मार्केट कैप कितना है, मतलब लार्ज कैप, ब्लू चिप कंपनी कौन सी कंपनी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो देख लेते हैं। जब हमने इन सारे पैरामीटर्स को लगाया, रेवेन्यू वाइज ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ और जो डिविडेंड है कम से कम 5% दे रहा हो, तो पहले नंबर पर आता है ITC। ITC ऐसे भी काफ़ी खूबसूरत स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये थोड़ा धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर को। अब यहाँ से दूसरे नंबर पे आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, तीसरे पे आता है NTPC, चौथे पे आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पांचवें पे आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सिक्स पे आता है अंबुजा सीमेंट, सातवें पे आता है इंडस टावर, और आठवें नंबर पर आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नाइन्थ नंबर पर है पावर फाइनेंस, और दसवें पर है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट। और इन सारे स्टॉक्स में जो भी आप स्टॉक को चूज करना चाहते हैं, जो आपको पसंदीदा लगे, मतलब सारे सारे स्टॉक तो आपको चुनने नहीं है, आपको एक जो हाई ग्रोथ वाले और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। और यहाँ पर ITC का 5% है, मतलब 5% तो कम से कम डिविडेंड किसी का भी होगा, क्योंकि हमने पैरामीटर ही 5% का डाला है। यहाँ पर कुछ 15% भी आते हैं, लेकिन डाटा इसमें हो सकता है पुराना हो, क्योंकि शेयर प्राइस में जैसे इंक्रीज होता है तो ये डिविडेंड का यील्ड का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत कम हुआ हो, लेकिन ये सारे के सारे जो स्टॉक है वो अब काफ़ी अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो इसमें कई सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म ही अच्छा खासा आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न देगा, साथ ही साथ आपको इसमें ग्रोथ भी देखने मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपने हाई डिविडेंड वाले स्टॉक कौन से सेलेक्ट करने हैं वो खुद से आपने सीख लिया होगा, किस तरह से टिकर टैप पे सर्च करके आपने खुद से हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।